दोस्तों लोको पायलट की वैकेंसी आपको किस जोन से भरना चाहिए और किस जोन को इग्नोर करना चाहिए वो सोचने विचारने का अभी समय है, क्योंकि यदि आप एक गलती कर जाएंगे तो आपको पूरा लाइफ पछताना पड़ेगा और पछताने के अलावा कुछ हासिल भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2018 के बाद अभी वैकेंसी आई है। आप सोचिए कि कितने दोस्तों का एज एक्सपायर हो गया, कितना फैमिली प्रेशर के कारण पढ़ाई छोड़ दिया और कितना का ये लास्ट एज बचा हुआ है उसने भी मिनिमम वैकेंसी दिया है। अब मैं ड्यूटी से अभी आया हूँ, ऑफ किया हूँ, क्योंकि अभी जो है इतना प्रेशर लोको पायलट के ऊपर है, 20-20, 30-30 घंटा जो है ड्यूटी एक्स्ट्रा हर स्केल में ओवर टाइम करवाया जाता है, जबरदस्ती समझिए। मेरे कॉल बुक हर 16 घंटा में आता है, वो ड्यूटी की बात में करेंगे। यहाँ पे हम अपनी सजेशन के अनुकूल भी बताएंगे आपको किस जोन से भरना चाहिए, क्योंकि मेरा जो जोन था पिछला में 2018 में मुजफ्फरपुर भरा था, आपको पता ही होगा मुजफ्फरपुर में काफ़ी कम कटअप गया था और जबकि अदर जोन में काफ़ी हाई कटअप गया था। तो मैं अपने हिसाब से जो है बेस्ट सजेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बाकी आप भी ट्रायंगुलर सरिया बना लीजिए, चारों तरफ बोर्ड को लिख लीजिए और आप अपने तैयारी के हिसाब से जब मेरे द्वारा वीडियो बताई जाएगी उसके बाद जो है आप डिसाइड लीजिएगा सोच समझ के हमको किस बोर्ड में बैठना चाहिए। दूसरी बात कि अभी सीट बढ़ सकती है, हो सकता है, इसलिए आप 10-15 दिन वेट कीजिए। उसके बाद जो है अभी 1 महीना समय है, तो 10-15 दिन के बाद आप लोग जो है फॉर्म भरिएगा, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है अभी फॉर्म भरने के लिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पे सभी RRB दिए गए हैं और किस RRB में किस कैटेगरी में कितनी सीट है क्लियर जो है नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। देखिए मुख्य रूप से जो इस बार मुख्य फोकस रहेगा और 3-4 जो है बोर्ड में रहेगा जो हमेशा रहता है, जैसे बंगलोर में रहेगा, अहमदाबाद में इस बार कम सीट है, उसके बाद दूसरी जो है बिलासपुर में रहेगा और तीसरा फिर सिकंदराबाद में रहेगा। ये 3-4 में देखिए सीट भी बढ़ेगा तो यहीं पर ज़्यादा बढ़ने की संभावना सीट भी रहती है। दूसरी बात SECR जो कोलकाता है वहाँ पर जो है काफ़ी वेटिंग ली गई है, इस पर सीट जो है कम जो है यहाँ पे निकाला गया है। आपका जो है तैयारी यदि मान लीजिए कि 50 के रेंज तक है, मान लीजिए यहाँ 40-50 के रेंज तक यदि आपका तैयारी है, इसका नंबर 1 में रख लेते हैं। दूसरी बात यदि 50 से आपका 60 तक तैयारी है, इसका 2 में रख लेते हैं, और 60 से आपका एबव तैयारी है इसका 3 में हम रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए PT यदि आपका 60+ यदि आपका तैयारी है तो आपको ज़्यादा सीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नॉर्मल सीट चूज कर लीजिए, नॉर्मल रेंज वाले, वहाँ पे आपको आसानी से PT हो जाएगा। और उसके बाद मेंस आप जितना अच्छे बेहतर तैयारी परफॉर्मेंस कर पाएंगे वो आप आसपास ही रह सकते हैं मेंस में। इसलिए यदि आपका 60+ तैयारी है तो आप जो है यहाँ पर जो है आप भुवनेश्वर को चूज कर सकते हैं, OBC कैंडिडेट है तो अच्छे सीट यहाँ पर है, 65 सीट कम नहीं हुआ यदि आपका 60+ नंबर है तो। दूसरी बात यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख लीजिए 30 रेंज वाले भी मुंबई यहाँ पे देखिए 9×3 = 12 125 का आसपास सीट है, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। दूसरी बात सिकंदराबाद तो यहाँ पे ज़्यादा सीट है तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे भागेंगे, तो इसलिए आप लोग जो है जो रेंज में बैठिए। यहाँ पे कहने का मतलब एक बोर्ड नहीं, लड़के के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चूज जो है 3-4 जोन में डिसाइड कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे बैठिए। यदि आपका 50 से 60 के बीच में रेंज में नंबर आ रहा है, 50 से 60 के बीच में रेंज आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम दूर भी नौकरी करें तो आप कहीं पे भी जाके ज़्यादा सीट पे बैठ जाइए, जैसे बिलासपुर है तो यहाँ से आपका आराम से PT जो है निकल जाएगा, 100% PT जो है निकल जाएगा। सिकंदराबाद हो गया यहाँ पे PT निकल जाएगा, मेंस की जो है बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे PT पहले आपको निकालना है उसके बाद मेंस से क्वालिफाई करना है, तो उस पे हिसाब से जो है थोड़ा कंपटीशन भी कम हो जाती है और स्टूडेंट भी कम जाते हैं। तो आप जो है 50-60, 40-50 रेंज वाले कहाँ बैठेगा। अब 40-50 रेंज वाले इसमें कुछ कैंडिडेट आप ज़्यादा सीट पर बैठ सकते हैं और कुछ कैंडिडेट को आपको कम सीट वाले पर भी यहाँ पे पासा खेलना है, कम सीट वाले पर भी पासा खेलना है। इसलिए कम सीट में कहाँ, कम सीट में भी उतना भी कम पे आपको पासा नहीं खेलना है, यहाँ पे देख लेना है कि 100 के आसपास जो सीट रहेगा वहाँ पे आपको पासा खेलना है, 100 के आसपास वाले पे वहाँ पे रिजल्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट हम यहाँ पे जो बताऊँगा उसको फॉलो यदि कीजिएगा तो क्या होगा कि जितना लड़का है वो यहीं पर भर देंगे,
तो यहाँ पे क्या होगा कि सब यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब के हिसाब से मत भरिएगा, उससे जो होता है काल ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना हो जाएगी। तो ये पर अनोखा अनोखा बोर्ड चूज कीजिए, जैसे जो कम मुख्य व्यू पे, जैसे भोपाल हो गया, जो विद्यार्थी की नज़रों में कम जाए, जैसे मान लीजिए गुवाहाटी भी लोग भरते हैं, तो गुवाहाटी अच्छे तैयारी जिसका है वही भरेंगे, क्योंकि सीट बहुत कम दिया है। दूसरी बात, मालदा में भी अच्छे खासे लड़के को रिजल्ट होते हैं, और कटअप यहाँ पे भी ज़्यादा गया था पिछले बार भी, सबसे ज़्यादा तो कम तो मुजफ्फरपुर में गया था। मुजफ्फरपुर पटना में जिसका हाई तैयारी है वही बैठेंगे, क्योंकि बहुत ही कम सीट दिया गया अपने कैटेगरी के हिसाब से। देखिए प्रयागराज जो यूपी के कैंडिडेट हैं, जिसका अच्छी तैयारी है वो आराम से बैठ जाए। दूसरे जोन में तो जाना ही पड़ेगा यूपी बिहार के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि रांची में देखिए, रांची में भी इस बार बहुत कम सीट निकाला गया, तो कम के हिसाब से तो आपको बैठना भी तो है ऐसी सीट। यहाँ पे जो है सिलीगुड़ी में भी ओबीसी कैंडिडेट आप बैठ सकते हैं, और आप एससी हैं तो एससी भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे सिकंदराबाद में भी आराम से आप एससी कैंडिडेट बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी सीट है अच्छे खासे। और यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम में भी, त्रिवेंद्रपुरम देखिए काफ़ी लंबा दूर है, ध्यान रखिएगा, यदि आपका तैयारी जो है उस लेवल पे नहीं है तो आप दूर जाके बैठ जाइए, और यदि आपका अच्छे तैयारी है तो मैं कहूँगा कि आप आसपास ही बैठ जाइए, आसपास में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जिसका नॉर्मल तैयारी है उसे दूर जाना चाहिए, और उससे दूर जाने देना चाहिए जिसका ज़्यादा तैयारी, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जिसका ज़्यादा है उसको पास बैठना चाहिए। और जो लड़की हैं, लड़की के लिए मैं खास बता देता हूँ कि वो आसपास ही बैठे, आसपास के बोर्ड में बैठे, क्योंकि दूर उसको काफ़ी रनिंग का टफ ड्यूटी होता है और काफ़ी परेशान होगा। यदि मान लीजिए आप बिहार के हैं तो आप बिलासपुर भर सकते हैं, मालदा भर सकते हैं, उसके बाद आप मालदा गुवाहाटी भी भर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप जो है पटना मुजफ्फरपुर यदि अच्छी तैयारी है तो चूज कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ जॉब वाले कैंडिडेट बैठेंगे, तो ये आसपास ही जो है वहाँ पे आप लोग चूज कीजिए यदि लड़की हैं तो। तो तैयारी के हिसाब से इस हिसाब से बैठिएगा, आप चार बना लीजिए। और दूसरी बात जो है, सभी लड़के यदि आप आसपास में तैयारी करते हैं तो एक दूसरे को बताइए, एक वो जोन में भरता है तो आप दूसरे जोन में भरिए, एक कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं बताते हैं, इससे क्या होता है कंपटीशन जो है बढ़ जाता है और एक ही जोन में ज़्यादातर लड़के भर देते हैं। तो आप इस हिसाब से जो है चूज कीजिएगा। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट लगे कि सर बता दीजिए कि कहाँ हम चूज करें, हमें इतना नंबर आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से भी आपको जोन सजेशन करूँगा। सीट आप जब तक बढ़ा नहीं है तब तक जो है थोड़ा वेट 10-15 दिन कीजिए, उसके बाद जो है आप लोग भरिएगा। एक सीट आपको चाहिए, हज़ार सीट नहीं चाहिए, इसलिए आप फिलहाल जितना भी सीट है उस पर हार्ड वर्क जितना हो सके आप बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मेरा आपको शुभकामनाएं कि आप मेरे जगह आए एक दिन, और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।